मैचेस की ये T20 श्रृंखला कोलकाता जीता भारत ने द सिटी ऑफ जॉय से पहुंचे हैं नवाबों के शहर लखनऊ एक नया क्रिकेट स्टेडियम सिक्का उछला और गिरा मेहमानों के पक्ष में एक तरफ है भारत दूसरी तरफ है विंडीज रोहित शर्मा स्ट्राइक पर है हाईएस्ट रन स्कोरर हो सकते हैं आज वो नीली जर्सी में T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शिखर धवन थोड़ा बल्ला खामोश है इनका वनडे श्रृंखला में भी शुरुआत मिली लेकिन उसको तब्दील नहीं कर पाए और शेन थॉमस की हाथ में गेंद शुभ दीपावली सबको आप लखनऊ में है और मुस्कुराइए पहली बॉल ये इस स्टेडियम में और पहले अंतरराष्ट्रीय रन इस मैदान के लिए इस मुकाबले के पहले शिखर धवन के लिए और भारत के लिए और स्वैग के साथ किया है स्वागत जी हां जिसके बारे में हम बात कर रहे पहला चक्का इस मैच का और इस ग्राउंड में रोहित शर्मा के बल्ले से आए 6 रन शॉर्ट पिच गेंद और यहां मिलेंगे 4 रन यहां गब्बर का वार खाली नहीं जाएगा इस बार ही गैप में पिछली गेंद कवर ड्राइव थी लेकिन फील्डर के हाथ में यह ताकत है शिखर धवन की शानदार स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से मिलेंगे 6 रन एंगल का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा बॉल घुमाते नहीं कार्लोस ब्राथवेट गेंद ऊपर गई है ज्यादा दूर नहीं नीचे फील्डर है और गेंद को बड़ी तहजीब से इस कैच को छोड़ा और मौका दिया जीवनदान क्या किस्मत या ये मौके का फायदा उठाएंगे ये देखना पड़ेगा ये एक बार फिर उठा के मार दिया और इस बार ये ग्राउंड भी छोटा रोहित शर्मा के लिए ये इनका मनपसंद शॉट है ये और ये तीसरा चक्का रोहित शर्मा के बल्ले से नहीं हम नहीं मानेंगे हम नहीं सुधरेंगे फैबियन एलन अरे वाह एलन की गेंद और रोहित का ऐलान खूबसूरत ये शॉट था 1 रन दूर अचतक से और 2 की मांग है और 2 भी मिल गए बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ रोहित शर्मा द्वारा 16वां अर्धशतक 20 ओवर के मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रोहित शर्मा के लिए ओहो कमाल का शॉट दीपावली के पटाखे यहीं से अब बजने शुरू हो गए शुभ दीपावली आपको लक्ष्मण और आपको भी और सभी दर्शकों को बैठक और गेंद गई दर्शकों के बीच में रोहित शर्मा प्रहार करे और वो खाली जाए ऐसा हो नहीं सकता है ये एक और बढ़िया शॉट ये भी वहीं पर हरभजन बैठे होते विवेश तो आवाज यही निकलती गगन चुम्मी छक्का हवा में और बढ़िया कैच लपका ग्राउंड बड़ा है और पहली सफलता यहां मिली फैबियन एलन को स्वीप किया था नीचे नहीं रख पाए और शानदार कैच पकड़ा पहला झटका भारत को शिखर धवन के रूप में जी निकोलस पोरन जो ये मैच खेल रहे हैं पिछला मैच नहीं खेले क्या खूबसूरत एक कैच 43 रन बनाए शिखर धवन ने पहला झटका भारत के लिए 123 रन पे उशेन थॉमस आए गेंदबाजी करने और वो उनका आखिरी ओवर है बहुत बढ़िया बल्लेबाजी पॉइंट के ऊपर से मिलेंगे 4 रन दूसरी सफलता यहां पे शिखर धवन वापस पवेलियन की ओर जाते हुए जी हाँ और अपनी टीम के लिए खेल रहे देखिए ये एटीट्यूड अच्छा लगा 5 रन बना के आउट हुए 133 पे 2 भारत अरे वाह ये है कमाल की क्लास चौका ये बढ़िया शॉट क्या दिखाता है कि ये बल्लेबाज में कितना दमखम है
अरे भैया ये गेंद भी वो लाल बाग से लानी पड़ेगी, इतनी दूर गई है। ऐसे हार्ड हिटिंग बैट्समैन नहीं है, पर टाइमिंग देखिए यहाँ पे कि इनके बल्ले के जब बीचों बीच बॉल लगती है ना तो फिर रुकती नहीं है, मैदान चाहे मेलबर्न का हो या लखनऊ का हो। फिर से एक बार बढ़िया शॉट, इस बार थर्ड मैन की दिशा में, एक और चौका रोहित शर्मा के बल्ले से। ये लीजिए सामने सामने फ्लैट छक्का, बढ़िया शॉट। जैसा मैंने कहा था कि बीच में आओगे तो बाहर ही जाओगे। थर्ड मैन के बगल से चौका, स्लोर वन। अरे वाह गेंद गई छोटी दिवाली पे, बड़ा धमाका। ना सवाल समझते हैं ना जवाब समझते हैं 50,000 दर्शक यहां लखनऊ के, रोहित शर्मा को T20 का नवाब समझते हैं। वेल प्लेड, चौथा T20 आए शतक। तो उम्मीद छोड़ दी थी यहां पर और कीपर ने बॉल छोड़ दी। भारतीय टीम के खाते में एक और 4 रन जुड़ेगा। हैट्रिक हो गई चौकों की। एक बार फिर गेंद गई है दर्शक दीर्घा में। गति में परिवर्तन किया गया ऑफ स्विंग के बाहर, और जो डाउन स्विंग है बैट का वो दर्शाता है गेंद कहां जाएगी। हाँ गति में परिवर्तन लेकिन दुर्गति फिर भी। इस गेंद पे एक ही मिलेगा, 195 पे रुकेगी जाकर भारत की पारी। 20वां ओवर 20 रन, कप्तान रोहित का चौथा T20 अंतरराष्ट्रीय शतक। द रोहित शर्मा शो, 111 मात्र 61 गेंदे, बल्ला क्या बोला हल्ला बोला। एक तरफ है शे होप, इनसे बहुत उम्मीद। आपको अच्छा माउंटेनियर चाहिए तो पहुंच गए हैं शिमरन हेटमायर के पास। यही है भुवनेश्वर कुमार, पिछला मैच मिस किया था, वापसी की है उमेश की जगह। जी हाँ मजा जरूर आएगा। वाह क्या शानदार शुरुआत, ये होप सीधे बल्ले के साथ साइड स्पिन के पास। सिर्फ बैट का फेस दिखा दिया, लेंथ ठीक था लेकिन संपर्क कितना बढ़िया। अरे वाह क्या की है शुरुआत, खलील ने यहां मचा दी खलबली। शे हो पुल मारना चाहते थे चारों खाने चेक। 7 पर पहला विकेट होप के खाते में, 6 खलील को सफलता। डैरेन ब्रावो, ये तो भाई बाजुए खोली भी है और चौका बटोरा भी है। शिमरन हेटमायर, या पीछे फील्डर बन के रह गया दर्शक। ये नजाकत भरा स्ट्रोक और मिलेंगे 4 रन। जोरदार स्ट्रोक मारने का प्रयास तो है, नीचे कपर, विकेट यहां पे मिलती हुई खलील को, दूसरी सफलता। इतनी निकम्मी कि एक ही फील्डर बाहर था दायरे के, उसी को चुना। इसको कहते हैं अभी बहुत टाइम है इनको, 15 पे आउट होके पवेलियन जा रहे हैं। दिनेश रामदी, जोरदार स्ट्रोक, ओवर की आखिरी गेंद पे मिला चौका। ये लीजिए अभी तारीफ ही कर रहे थे, ब्रावो, वापस पवेलियन की ओर चलते हुए। बेहतरीन कैच, आसान कैच नहीं था, अभी तेज रफ्तार से बैट का भारी किनारा लगा था और बॉल की स्पीड और तेज हो रही थी, लेकिन पीछे खड़े थे रोहित शर्मा। ब्रावो 23 बना के वापस पवेलियन में। लकड़ा बाहर, कुलदीप यादव छा गया गुरु। जादूगर का जादू चलता हुआ, पिछले मैच में 3 सफलताएं, इस मैच में 2। आज से रीड नहीं करेंगे तो कुलदीप को नहीं खेल पाएंगे। 4 रन बना के पूरन वापस पवेलियन में, विंडीज 52 पे 4। बल्लेबाजी के लिए आए हैं कायरन बोला। इसमें तो
चौका मिलेगा। ये गेंद गई ऊपर नीचे, गेंदबाज जस्ट, ये थोड़ा सा खुशी में खलल का माहौल था क्योंकि करण पोलार्ड उसी दिशा में चल पड़े जहां पर जसप्रीत बुमराह थे, ऑलमोस्ट उनसे टकरा गए थे। बुम बुम बुमराह, बाय बाय पोलार्ड। और तारीफ करना चाहूंगा मैं रोहित शर्मा का, क्या जबरदस्त ये बॉलिंग चेंज, विकेट की तलाश में है, चार विकेट गिर चुके हैं, पता है कि पोलार्ड जो है अनुभवी खिलाड़ी है, एक और विकेट इधर गिरेगा तो दबाव में रहेंगे वेस्ट इंडीज, सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए। ये लीजिए और एक विकेट। गेंदबाजी में बदलाव और सफलता लेके आए, नकल बॉल धीमी गति की गेंद थी, डीप मिड विकेट, खिलाड़ी बाउंड्री पर था और कप्तान ने अपने आप को शॉर्ट्स बैलेक पर रखा था और बहुत ही बढ़िया कैच लपका। रामदीन वापस पवेलियन की ओर, 10 रन बना के आउट हुए, 81-6 विंडीज। यह खतरनाक साबित हो सकता है अगर डायरेक्ट हिट हुई तो। कुणाल पांडे का निशाना ठिकाने पे, फैबियन एलन वापस पवेलियन की ओर ही चलते चले जाइए क्योंकि सटीक निशाना कुणाल पांड्या द्वारा। बहुत अच्छा थ्रो और उसी के साथ 7वीं विकेट, 0 पे आउट हुए, 7वें विकेट का पतन 81-7। ये बड़ा शॉट, 6 रन। लेग स्पिन के लिए तैयार थे और कदमों का इस्तेमाल करते हुए फिर गुगली डाली है, इस बार भी हवाई यात्रा पे भेजा है गेंद को, एक बार फिर मिलेंगे 6 रन। वाह 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 आकाश, बैक टू बैक सिक्सेस। ये ऊंची तो गई है और दूर भी, इस ओवर में जड़ दिए 3 छक्के, 2 पॉल ने, 1 ब्राथवेट ने, 18 समाप्त। और यहां पर और एक विकेट नीचे, 8 विकेट खो चुके वेस्ट इंडीज। मिड ऑफ का फील्डर आगे जरूर था लेकिन एलिवेशन मिला नहीं, और रोहित फील्डर हो तो फिर मन में कोई शंका नहीं, कैच पकड़ा ही जाएगा, टीम ऑफ बॉल के खाते में भी। ये लीजिए विकेट ले ली जसप्रीत बुमराह ने, 9वां विकेट डाउन। तो यॉर्कर से आपको थोड़ा सा कमजोर करते हैं और फिर प्रहार करते हैं स्लोर बन से, 116 पर 9 बियर के खाते में। शेन थॉमस ने इसको तो बहुत सफाई से खेला, चौका बटोरा। अरे वाह, शेन थॉमस की बैटिंग थोड़ी लेट नहीं आई, अरे नहीं, ये बड़ी इमारत ध्वस्त हुई थी, तो पैर जमा नहीं पाए, खुद भी फिसले और टीम के तो क्या कहना। 3 मैचेस की श्रृंखला 2-0 से भारत ने एक अजय बढ़त बना ली है, बड़े इमामबाड़ा जैसा स्कोर बना दिया था यहां पर भारत ने।